हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। ये काफ़ी रिप्यूटेड कंपनी है दोस्तों, और ये इनके जो सेगमेंट्स हैं, ये काफ़ी बड़े सेगमेंट में काम करती है। और अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको ये कवर करती है, जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, फूड एंड बिवरेज, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, लाइफ साइंसेज, पब्लिक सेक्टर, रिटेल, यूटिलिटीज एंड ऑल इंडस्ट्री सॉल्यूशन। यानी कि इनके जो प्रोडक्ट वर्टिकल्स हैं वो सारे इंडस्ट्री को कवर करते हैं। और अगर बात करें इस स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी की, तो ये बिग डेटा पर भी काम कर रही है, ब्लॉकचेन पर काम करती है, आईओटी पर भी काम करती है। ये ऐसे सेक्टर हैं दोस्तों कि भविष्य में इन सेगमेंट्स का काफ़ी बड़ा महत्व होने जा रहा है। अभी ये काफ़ी नेसेंट फेज में है, लेकिन इन सारे सेगमेंट से आने वाले दिनों में इस कंपनी को काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त होने की उम्मीद है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों अभी तक ये कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करती है, उन सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। और ये भी समझेंगे कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के फाइनेंशियल ओवरव्यू किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये किस प्रकार से इनके रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट में बदलाव देखने को मिल सकता है, और अभी तक इसने अपने निवेशकों को किस प्रकार का रिटर्न दिया है। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के फाइनेंशियल ओवरव्यू को चेक करते हैं कि इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू किस प्रकार के हैं। OFS का मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और अगर इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये 39.58% देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 25.42 देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये 0.02 है, यानी ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री देखने को मिल रही है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये 48.80 टाइम्स देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी अपने जितने भी लोन हैं उसके इंटरेस्ट को पे करने में पूरी तरह से सक्षम नज़र आ रही है। और अगर इसके करेंट भाव की बात करें तो ये 2,930 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 52 वीक हाई 3,262 रुपये देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें लगभग 73% देखने को मिल रही है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के जो फाइनेंशियल ओवरव्यू हैं काफ़ी अच्छे देखने को लग रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, लंबे समय में यानी कि पिछले 10 सालों में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड किस प्रकार का रिटर्न अपने निवेशकों को दी है, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं रिटर्न चार्ट में, OFS पिछले एक सप्ताह में 0.26% का नेगेटिव रिटर्न दिए, पिछले एक महीना में करीब 1.5% का नेगेटिव रिटर्न दिए, ईयर टू डेट यानी जनवरी से अभी तक 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिए, पिछले एक साल में यह लगभग 4% का नेगेटिव रिटर्न दिए, पिछले तीन साल में यह लगभग 17% का नेगेटिव रिटर्न दिए, पिछले पाँच साल में यह लगभग 24% का नेगेटिव रिटर्न दिए, पिछले 10 साल में ये मात्र 40% का रिटर्न दे पाई है। तो कुल मिलाकर इनके रिटर्न से देखने में ये पता चल रहा है कि लंबे समय में यानी पिछले 10 सालों में ये अपने निवेशकों का पैसा मल्टीप्लाई नहीं कर पाई है। हालांकि अभी हम लोगों ने देखा इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन रिटर्न चार्ट पर इनके जो रिटर्न हैं पिछले 10 साल के वो बेहद ही ख़राब देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के फाइनेंशियल ओवरव्यू इतने अच्छे होने के बावजूद ये कंपनी
पिछले 10 सालों में क्यों रिटर्न नहीं दे पाई है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं अपने स्तर पर। और इसके लिए इसके फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ेगा कि पिछले 10-12 सालों में ये कंपनी किस प्रकार से बिजनेस की है। OFS के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो ये पिछले 10 साल में इनका सेल्स ग्रोथ 5.4% CAGR के रेट से बढ़ा हुआ पाया गया है। और अगर इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें पिछले 10 सालों में, तो इनका प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 6.56% CAGR के रेट से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। और स्टॉक प्राइस जो है पिछले 10 सालों में 3.26% CAGR के रेट से बढ़ा है। यानी कि इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी खराब देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो पिछले 10 साल में इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी खराब देखने को मिला है। इसलिए इनके प्राइस एप्रिसिएशन भी खराब देखने को मिल रहे हैं पिछले 10 सालों से। और यही वजह है दोस्तों कि ये पिछले 10 सालों से अपने निवेशकों का पैसा जो है मल्टीप्लाई कर पाने में सक्षम नहीं रह पाई है। और अगर हम लोग पिछले 3 साल के इनके सेल्स ग्रोथ को देखें तो पिछले 3 साल में इनका जो सेल्स ग्रोथ है मात्र 3% देखने को मिल रहा है, जबकि इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में लगभग 6% CAGR की रेट से बढ़ा है। और इनका जो स्टॉक प्राइस है ये पिछले 3 साल में लगभग 6% का डिग्रोथ दिखाया है। हालांकि इनका पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस में करेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पर हल्का सा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक अभी के लेवल से कुछ ऊंचाई की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन इनके जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हैं वो काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हम लोग लंबे समय में इसमें काफ़ी तेज़ी बनते हुए नहीं देख सकते हैं। हालांकि जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अभी फिनेंशियल ओवरव्यू के पहले कंपनी के वेबसाइट में जो हम लोग चेक कर रहे थे, तो वहां पर हम लोग देखे थे दोस्तों कि ये काफ़ी सारे सेगमेंट में काम करती है, और इनके जो बिग डेटा, ब्लॉकचेन और IoT, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं कि ये भविष्य के सेक्टर हैं जहाँ पर कि भविष्य में काफ़ी डिमांड देखने को मिल सकता है। तो ये जब भी ऐसा समय आएगा तो इनके प्रभाव जो हैं इनके रिजल्ट पर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के जो इनके बिजनेस आ रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, उससे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि इस शेयर में काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा हम लोगों को आने वाले समय में। इसके चार्ट को देख करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी को ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि इनके जो फंडामेंटल्स डेटा अभी हम लोगों ने चेक किए थे उसके अनुसार इसे निफ्टी को अंडर परफॉर्म करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टेक्निकल चार्ट देखने को मिल रहा है OFS का, और ये अभी वर्तमान में 2936 रुपये पर क्लोजिंग दिया है। ये स्टॉक 2018 से लगातार करेक्शन मोड में चल रहा है, और 2018 में जो इनका उच्चतम भाव था वो 4664 रुपये देखने को मिल रहा है, और 4664 रुपये से ये करेक्शन देते हुए 2020 मार्च में ये 1528 रुपये में आ गया था। फिलहाल इसमें तेजी बनती हुई दिख रही है और ये लगभग 3000 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब OFS को हम लोग निफ्टी से भी कंपेयर कर लेते हैं कि निफ्टी के बनिस्पत ये किस प्रकार का परफॉर्मेंस दी है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी का चार्ट हम लोगों को ऊपर देखने को मिल रहा है और OFS का चार्ट नीचे देखने को मिल रहा है, यानी कि निफ्टी को OFS अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने पाया था इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ हैं काफ़ी निराशाजनक रहे थे लंबे समय से, इस वजह से दोस्तों ये निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में पाया कि OFS एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है, लेकिन इसके
सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ लंबे समय में काफ़ी निराशाजनक रहे हैं और ये सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से ये लंबे समय में अपने निवेशकों को पैसा मल्टीप्लाई कर पाने में सफल नहीं रह पाई है, और जिस तरह से इसके सेल्स ग्रोथ देखने को मिले हैं, आने वाले समय में भी इनका सेल्स ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है, जब तक कि इनके कुछ सेगमेंट आने वाले समय में ट्रिगर नहीं करते हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल मजबूत होने के बावजूद हम लोगों ने ये पाया कि ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही है लगातार, और काफ़ी सालों से ये अंडर परफॉर्म कर रही है, और जिस प्रकार के डेटा देखने को मिले हैं तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगी, और इसमें काफ़ी तेज़ी बनते हुए देखने को नहीं मिल सकती है। अगर बाजार यहाँ से भी उच्चतम स्तर की ओर जाता है तो ये अधिक से अधिक 2200 के लेवल के आसपास जा सकती है, लेकिन जब भी मार्केट में गिरावट आएगी ये बाजार को अंडर परफॉर्म ही करेगा, और इसमें किसी प्रकार की तेज़ी बनते हुए हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इसलिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार।